कहते हैं कि पत्थर में भी जान होती है। निश्चित ही मूर्ति एक पत्थर होती है, लेकिन जिस भी देवी या देवता की यह मूर्ति बनाई गई है, उन देवी या देवताओं के अस्तित्व और उनकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। आए दिन देवी या देवता अपने होने का एहसास कराते रहते हैं, इसी एहसास को चमत्कार कहा जाता है। और ऐसा ही एक चमत्कार बिहार के बक्सर में स्थित देवी के एक मंदिर में देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आकर आपको दुर्गा की शक्ति होने पर यकीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की मूर्तियाँ आपसे बात करती है। जी हाँ दोस्तों, ये मूर्तियाँ आपकी परेशानी आपके बोलने से ही पहले बता देती हैं। आखिर यह चमत्कार कैसे घटित हो रहा है और ये मूर्तियाँ कैसे बात कर रही हैं, इस पर वैज्ञानिकों ने खोज करने का प्रयास तो किया, परंतु वे भी इस चमत्कार को देख आश्चर्य में पड़ गए। दोस्तों, यह मंदिर 400 साल पुराना है। प्रसिद्ध तांत्रिक भवानी मिश्रा ने करीब 400 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। तब से आज तक इस मंदिर में उन्हीं के परिवार के सदस्य पुजारी बनते रहे हैं। तंत्र साधना से यहाँ माता की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। कहा जाता है कि तब से ही माता के उस मूर्ति में किसी दिव्य शक्ति का वास हो गया था। यही कारण है कि जब कोई भक्त यहाँ आता है और माता की पूजा करता है, उसके बाद माता खुद ही उस भक्त की परेशानी बोल देती है और वह भक्त आश्चर्य में पड़ जाता है कि मेरी परेशानी कैसे एक मूर्ति बता सकती है। और फिर जब भक्त यहाँ से माता का आशीर्वाद लेकर जाता है तो उसकी वह परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, दरअसल तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध बिहार के इस इकलौते राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में यहाँ पर किसी के नहीं होने पर भी आवाजें सुनाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मंदिर खाली रहेगा और केवल आप इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत सारी आवाजें एक साथ आएंगी। यानी इन दौरान जब मंदिर खाली होता है, उस समय सभी माताएं आपस में बात कर रही होती हैं। दरअसल दोस्तों, इस मंदिर में 10 महाविद्याएं स्थापित हैं, जिनमें काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, तारा, छिल्लमस्ता, षोडशी, मातंगडी, कमला, उग्र, तारा, भुवनेश्वरी की मूर्तियां स्थापित है। इसके अलावा यहां बगला मुखी माता, दत्तात्रेय भैरव, बटुक भैरव, अन्नपूर्णा भैरव, काल भैरव व मातंकी भैरव की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां साधना करने वाले हर साधकों की हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए कई बार देखा गया है कि यहां इस मंदिर के अंदर तांत्रिक साधु आधी रात के समय आते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में प्रधान देवी राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बहुत ही चमत्कारी हैं। चमत्कारी शक्तियों का एहसास होने के कारण ही यहाँ पर कई सारे तांत्रिक आते हैं, ताकि वे अपनी सभी तांत्रिक क्रिया इन शक्तियों के माध्यम से पूर्ण कर सके। इसके साथ ही माना जाता है कि माता राजेश्वरी आपकी परेशानी पहले से ही जान जाती है, और जो भी भक्त माता के चरणों पर जब मत्था टेकता है, तब माता उसकी परेशानी बोलकर उसका निवारण कर देती है। आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है कि कैसे एक बेजान मूर्ति बोलने लग जाती है। यही नहीं, आधी रात को यहाँ पर सभी माताएँ आपस में बात करती हैं, जिसको मंदिर के बाहर से गुजरने वाला कोई भी राही आसानी से सुन सकता है। यहाँ पर वैज्ञानिकों की एक टीम भी गई थी, जिन्होंने रिसर्च करने के बाद कहा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। दरअसल उनका मानना है कि होता ये होगा कि दिन के समय सभी व्यक्ति यानी भक्तगण जब मंदिर में जाते हैं, तो वह आवाजें जब भक्तगण मंदिर से बाहर भी चले जाते हैं, तो वही शब्द मंदिर में भ्रमण करते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक भी मान लिया कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब घटित जरूर होता है, जिससे कि यहाँ पर आवाज़ आती है। दोस्तों, मानो ना मानो, यह चमत्कार साक्षात माता का ही है। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो जागृत अवस्था में है, जिस कारण से ही
यह मंदिर भी सभी सिद्ध शक्तिपीठों में एक माना जाता है। मुगलों ने भी कई बार इस मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया, परंतु इस शक्तिपीठ को वो कभी खंडित नहीं कर पाए और ऐसा दुस्साहस करने वाले काल के मुख में समा गए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।